इस क्वेश्चन में हमें ये स्टेटमेंट गिवन है, हमें पता लगाना है ये ट्रू है या फॉल्स है। हम यहाँ पे एग्जांपल लेके देखते हैं। ये जो सिंबल होता है ये मेरा बिलोंग्स टू का होता है। देख कह रहा है एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी एक्स मेरा ए सेट का एलिमेंट है। पहले यहाँ पे मैं ए सेट डिफाइन कर लेता हूँ। मैं ए सेट को लेता हूँ 1, 2। अब मैं नोटिस करूँ 1 भी ए सेट में है और 2 भी ए सेट में, तो मैं यहाँ एक्स की वैल्यू ले लेता हूँ 1। एक्स इज इक्वल्स टू 1, 1 मेरा इस सेट में है तो यानी 1 बिलोंग्स टू 1, 2। अब कह रहा है ए बिलोंग्स टू बी, यानी पूरा पूरा ए सेट मेरा बी सेट में है। होल सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, तो मेरा बी सेट मेरा कुछ ऐसा आएगा। ये जो ए है 1, 1, 2, ये तो पूरा पूरा आएगा और 3, 4, 5 आएगा, बाकी कोई और एलिमेंट्स ले लिया हमने। अब हमें कह रहा है, प्रूव करना है हमें कि एक्स बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब मेरा जो 1 है, एक्स की वैल्यू 1, ये मेरा इस सेट में होगा। मैं नोटिस करूँ जो ब्रैकेट में 1, 2 है ये 1 की वैल्यू नहीं है, ये अलग है। इसका मतलब 1 मेरा इस बी सेट में नहीं है। 1 इज नॉट, डज नॉट बिलोंग्स टू, ये डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल होता है दिस सेट। इसका मतलब मेरा जो गिवन स्टेटमेंट है एक्स बिलोंग्स टू बी, ये इनकरेक्ट है, तो ये फॉल्स है।